वेलकम द स्टूडेंट ऑफ बी एस सी एग्रीकल्चर पार्ट सेकेंड। आज हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज लिखेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में डिटर्मिनेशन ऑफ रेस्पायरेशन पल्स रेट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल। एनिमल की बात करते हैं तो अपन कैटल बफेलो दोनों आता है, कैटल में काउ एंड बफेलो। तो इसमें अपने को एपरेटस चाहिए, थर्मामीटर, एनिमल और उसके अलावा दस्ताने हाथ में, एंटीसेप्टिक कोई क्रीम हो या टिंचर आइटम वगैरह। सबसे पहले अपन रेस्पायरेशन देखेंगे। तो रेस्पायरेशन का सिंपल तरीका होता है कि गाय कैटल काउ को आप अपने सर्विस क्रेट में खड़ा कर दें, उसको साइलेंटली, जब एनिमल बिल्कुल साइलेंट कंडीशन में हो, बेचैन नहीं हो, उस केस में हम उसका रेस्पायरेशन नोट करते हैं। रेस्पायरेशन नोट करने का तरीका ये होता है कि उसके नथुने के सामने, नोस्टल के सामने अपना हाथ है वो, और वो जितनी बार सांस छोड़ती है उसको हम गिनते हैं। रेस्पायरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। तो इसको काउंट करने के लिए हम नोस्ट्रिल पे हाथ रखते हैं और घड़ी में देख लेते हैं एक मिनट में कितनी बार वो सांस छोड़ती है, उसका हम काउंटिंग कर लेते हैं। इसके अलावा उसके फ्लैंक यानी कोक जो होती है, जो आपकी मेन रीढ़ की हड्डी होती है उसके साइड में, बिल्कुल जहाँ पर फ्लैंक होती है, उस पर भी आप काउंट कर सकते हैं। वो ऊपर नीचे उठती बैठती है, उसके हिसाब से आप कर लेते हैं। 2 से 3 बार आपको एक एक मिनट के लिए नोट करना है। तो ये करीबन 11 से 18 के बीच आती है पर मिनट, एवरेज 12-13 माना जाता है, जैसा आपको PDF में दिखा रखा है 11 से 18 की एवरेज है, लेकिन एन एवरेज 12 माना जाता है जब साइलेंट कंडीशन में हो। जब चारा दाना खाता है एनिमल तो इसकी रेस्पायरेशन पल्स रेट दोनों बढ़ जाती है। अगर मिल्किंग के समय बढ़ जाती है, एनिमल ग्रेजिंग करके आता है तब बढ़ जाती है। इसलिए हमें साइलेंट कंडीशन में ही रेस्पायरेशन रेट पता करना है। फिर है पल्स रेट। पल्स रेट से हम एनिमल का सिकनेस का पता लगाते हैं, एनिमल बीमार तो नहीं है, जिससे कि हम एनिमल की पल्स रेट के हेल्दी हैं एनिमल होने का पता लगता है। और पल्स रेट का पता लगाने के लिए वही एक मिनट में हम पल्स को नापते हैं। पल्स के नापने के लिए कोक्सिकल वेन आर्टरी होती है आपकी, जो काउ की टेल पे होती है पीछे की तरफ, वहाँ आप हाथ रख के जैसे रेस्पायरेशन रेट नोट करते हैं, वैसे ही एनिमल को सर्विस क्रेट में खड़ा करके थोड़ी देर साइलेंट खड़ा रहने दें, 5-10 मिनट तक वेट करें, उसके बाद जो एनिमल बिल्कुल शांत हो जाए उस केस में आप 1 मिनट के अंदर घड़ी में या स्टॉप वॉच चला के आप इसकी कोक्सीजियल जो आर्टरी होती है, कोक्सीजियल आर्टरी से अपना थंब को और उंगली को रख करके काउंट कर सकते हैं। ये करीबन 42 से 60 के बीच आती है, एन एवरेज जो है 50 से 60 के बीच माना जाता है, वेरी करती है 42-60, लेकिन एवरेज इसका 50 या 55 कहीं एनिमल में मिलती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। एनिमल का टेम्परेचर से भी हम पता लगा लेते हैं कि एनिमल सिक तो नहीं है, हेल्दी है या नहीं है। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर जो काउ का 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और ये चेंज होता रहता है, लेकिन इसका जो नापने का तरीका है वो थर्मामीटर को साफ करके एनएस में आप रख दें, और एनएस में रख के उसको वापस जब थोड़ा डंग वगैरह लग जाए इसे साफ करके आप उसको टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। वो 1 मिनट के लिए रखना है
ये पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट और टेम्परेचर नोट करने का पर्पज़ होता है कि एनिमली एनिमल क्लिनिकली ठीक है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या ये इससे आइडिया लग जाता है कि एनिमल प्यूबरिटी में है, हीट में है, काऊ हीट में है, या ऐसी कोई अबनॉर्मल कंडीशन में बताया जाता है। तो रेस्पिरेशन रेट गायों में 12 से 20 के बीच होती है, बफेलो में 16 से 20, गोट में 12 से 22। इसी तरह से पल्स रेट जो है काऊ में 50 से 70, बफेलो में 40 to 50 और गोट में 70 to 80 होती है। टेम्परेचर काऊ में 101 से 101.6 के आसपास, बफेलो में भी इतना ही होता है और गोट में थोड़ा ज़्यादा 103.7 होता है। इस तरह से हम अपन एनिमल का रेस्पिरेशन रेट, पल्स रेट और टेम्परेचर नोट करते हैं। प्रिकॉशन में आपको लिखना है कि एनिमल साइलेंट होना चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, हाथ आपके साफ हों और थर्मामीटर वगैरह स्टलाइज होना चाहिए। यह आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में नोट करना है। थैंक यू।